हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं जीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा रजिस्टर नंबर 5 के बारे में, जिसको बोलते हैं क्वालिटी प्लान का रजिस्टर। तो जैसा कि लोग आप लोग जानते हैं, मैं और मार्किंग में कितने रजिस्टर यूज होते हैं उसका सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 वीडियो और बना रखा है रजिस्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में। वो रजिस्टर मेरी चैनल आयुष्मान स्ट्रीट पॉइंट पर, जिसकी सारी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आज मैं कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा रजिस्टर नंबर 5, जो क्वालिटी प्लान का रजिस्टर। क्वालिटी प्लान का रजिस्टर है, फॉर्मेट उसका है F20। क्वालिटी प्लान के रजिस्टर में हम क्या क्या क्वालिटी प्लान करते हैं, ये देखिए हमने इस रजिस्टर बना रखा है क्वालिटी प्लान का रजिस्टर। सारे हमारे रजिस्टर क्या है, अच्छी क्वालिटी के रजिस्टर हैं। तो आपके लिए क्या है, प्लेटिनम का नोटबुक रजिस्टर गत्ते वाला खरीद के आप अपना भी बढ़िया सा रजिस्टर बना सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हॉलमार्किंग में जो रजिस्टर यूज होता है 5, उस रजिस्टर का नाम है क्वालिटी प्लान, उसका फॉर्मेट है F22। उसमें क्या क्या चीज़ें हम लिखी जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो वो क्या है क्वालिटी प्लान, हम जो क्या मंथ वाइज हमारी प्लानिंग होती है, जो क्वालिटी कंट्रोल का है, हमारी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, उसको क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, क्वालिटी प्लान होता है। क्वालिटी प्लान हमें प्री डिटरमाइंस होता है। क्वालिटी प्लान हमें बनाने से कि हमारी जो सिस्टम अच्छी तरह से चलता रहता है, जो हमारी प्लानिंग है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम कुछ कर, जब भी आप लाइफ में कोई काम करते हैं तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। प्लानिंग अगर नहीं करते हैं तो आपका क्या है, वर्क खराब हो सकता है। इसलिए जो भी है प्री प्लानिंग से हमें वर्क करना चाहिए। जब लाइफ में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, एक एरोप्लेन उड़ता है मतलब उसका डेस्टिनेशन निश्चित होता है कि ये कहाँ से चलेगा, कहाँ पे निकलेगा, इसीलिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग में हम क्या क्वालिटी चेक करते हैं, वो मंथ वाइज प्लान है हमारा, जनवरी टू हमारा दिसंबर तक प्लानिंग करते हैं। तो हमारा क्वालिटी चेक में क्या, पहले हम क्या रिपीट एंड रेप्लिकेट टेस्ट करते हैं, रिपीट एंड रेप्लिकेट वंस इन 3 मंथ करते हैं। रिपीट एंड रेप्लिकेट टेस्ट किसके करते हैं, हमारा कोई सैंपल ले लेते हैं उसको टेस्ट करते हैं 3 महीने में एक बार, अपने सैंपल पेश करते हैं, उसमें हमारे क्या रिजल्ट आते हैं, इससे हमारी प्रोफिशिएंसी का पता लगा चलता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वालिटी कंट्रोल चेक है, रिपीटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बैलेंसेस वंस इन मंथ। हम 1 महीने में एक बार बैलेंसों की रिपीटेबिलिटी चेक करते हैं। एक इसमें रिपीटेबिलिटी चेक करने में क्या करते हैं, एक हम क्या वेट्स लेते हैं, जो सर्टेन नॉमिनल वेट लेते हैं और उसको 10 टाइम उस पर बार बार चेक करते हैं। तो उसमें कोई वेरिएशन से नहीं आता, अगर वेरिएशन आता तो मतलब हमारा बैलेंस खराब चल रहा है, उसको रिपेयर करवाने की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें क्वालिटी कंट्रोल चेक की ज़रूरत होती है। इसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग एंटर लेबोरेटरी कंपेरिजन वंस इन ईयर करते हैं। हम जैसे कि आप लोग जानते हैं ISE ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट है। तो ISE हम एक पॉलिसी में क्या करते हैं, एक सैंपल लेके देते हैं, अपने यहाँ पे टेस्ट करते हैं और 5 और आउटसाइड लेबोरेटरी से टेस्ट कराते हैं और उनका रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं। अगर हमारा रिजल्ट बाकी के रिजल्ट से तो मैच करता है तो हमारी प्रेफरेंसेस सही है। इसके बाद है यूज ऑफ स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल XRF। हम क्या, हमारे पास 5 सैंपल होते हैं, जितने भी ग्रेड के प्योरिटी हमारे पास अवेलेबल है उसको हर रोज चेक करते हैं। इससे हमारे XRF मशीन की क्या है प्रोफिशिएंसी पता लगती है, अगर उसमें ज़्यादा वेरिएशन आता है तो हम उसको ठीक करवाएंगे। इसके बाद विजिलेंस ऑफ लेजर मार्किंग तो हर महीने हम टेस्ट चेक करके और उसको क्या रजिस्टर में चिपका देते हैं। तो ये हमारा था क्वालिटी कंट्रोल चेक और क्वालिटी प्लान है। क्वालिटी प्लानिंग हमें कैसे करना है वो इस रजिस्टर में लिखा होता है। क्वालिटी प्लानिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारे अगर बंदे काम सही नहीं करते वो पकड़े जाएं, और अगर हमारी मशीनें काम नहीं करती हैं, अगर उसमें क्या एरर रखता है तो मशीनें ये पकड़ी जाए, उससे हमें क्वालिटी कंट्रोल चेक करने से हमें फायदा। अगर बंदे गलती कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, तो उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर मशीन इंप्रूवमेंट करती है उनकी क्या है कैलिब्रेशन या उनकी मेंटेनेंस करवाने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।